हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सदोष परिरोध के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 340 में परिभाषित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सदोष परिरोध का जो अर्थ है वो अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो परि का मतलब चारों तरफ और रोध का मतलब रोकना, यानी किसी भी व्यक्ति को चारों तरफ से घेर लेना या रोक लेना या बाहर जाने से उसे रोक देना। उदाहरण देखिए, अगर किसी व्यक्ति को एक झोपड़ी में अंदर भेज दिया जाए और उस झोपड़ी का एक ही गेट है और उस गेट पर तार लगा दिया जाए तो इसे कहा जाएगा ये सदोष परिरोध है। यानी कि अगर कि कोई खेत है, अगर खेत पर कोई व्यक्ति जाता है, उसका एक रास्ता है, चारों तरफ से बाड़ लगा दी गई है और वो जो मेन रास्ता उस रास्ते पर कोई व्यक्ति डंडा ले खड़ा हो जाता है और कहता है मैं इसे तुम्हें निकलने नहीं दूंगा, तो ये भी सदोष परिरोध की श्रेणी में आएगा। सदोष परिरोध का जो दंड है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 342 में दिया गया है। भारतीय दंड संहिता के 342 में जो दंड है उसमें ये कहा, किसी भारतीय कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष की होगी और जुर्माने से भी, जुर्माना 1,000 रुपये तक का होगा या दोनों। भारतीय दंड संहिता की धारा 343 क्या कहती है, अगर सदोष परिरोध 3 दिन से अधिक का होगा, 3 दिन या उससे अधिक का होगा तो वहां पर सजा का प्रावधान है। किसी भारतीय कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी या जुर्माना या दोनों। भारतीय दंड संहिता की धारा 344 में देखिए प्रावधान, अगर कोई व्यक्ति सदोष परिरोध 10 दिन या उससे अधिक दिन करता है तो वहां पर जो दंड होगा वो 3 वर्ष का किसी भारतीय का कारावास तथा जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की सदोष परिरोध के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।